अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, सेहतयाब होंगे और दोस्त होंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने रियल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा। रियल नंबर सिस्टम का बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो हमने सीखा। सो आज हमारा न्यू लेक्चर है जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर करेंगे। ठीक है, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे पास इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं इनके टेस्ट में। सो आइए देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक के एडिटिव आइडेंटिटी, ये जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास रियल नंबर की। एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं, आइए देखें। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, कोई भी नंबर आ सकता है। अगर मैं इनसे जीरो एड कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास ए ही आता है जो हमने नंबर लिया था। मीन्स कि यहाँ पे ये जो जीरो है ना, हम इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसे समझे कि किसी भी नंबर को अगर जीरो से एड किया जाए, जो हम नंबर लेते हैं ना वही रिजल्ट आता है हमारे पास। तो यहाँ पे ये जो जीरो होता है उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट वो है एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल मैं कोई नंबर ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस ए। ठीक है, एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि अगर पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव साइन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं नंबर ले रहा हूं -3, अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +3। अगर मैं +3 ले रहा हूं तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -3। तो फ्रेंड्स, ये होता है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। और एक मेन बात, जब हम एडिटिव इनवर्स करेंगे ना, उनको जब सम करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आएगा। क्या मैंने कहा कि जब हम एडिटिव इनवर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने कहा 3, ठीक है, अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या है? -3। अब इनको क्या करना है? एडिशन करनी है जो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये देखिए 3 + -3, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आएगा। ठीक है, ये फ्रेंड्स याद रखें कि जब हम एडिटिव इनवर्स में हम एडिशन करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो जीरो होता है। ठीक है, कोई भी आप नंबर्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 4, अब इसका एडिटिव इनवर्स लिखिए तो -4, आप इसको एड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आएगा। ठीक है फ्रेंड, सो हमारे पास नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं? आई, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर ले रहा हूं 3, अगर उनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 से, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? वो सेम ही नंबर आएगा। याद रखें, कोई भी नंबर है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 1 से, तो वही सेम रिजल्ट आएगा। तो हमारे पास यहां पे ये जो 1 है ना, इसको हम मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं और भी नंबर ले, फॉर एग्जांपल मैंने 4 या आप इसको 1 से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही रिजल्ट आएगा जो हमने नंबर लिया है। ठीक है, सो हमारे पास ये जो 1 है ना, ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं? देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने कोई नंबर लिया है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 3, इसका मल्टीप्लाई इनवर्स क्या होगा? 3 इनवर्स। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं a इनटू a इनवर्स, a कोई भी नंबर यहां पे होगा, अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें उसके इनवर्स से, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स से, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। क्या आएगा? 1। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखें, हम मैं एक नंबर ले रहा हूं 3, अब इसको इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 3 इनवर्स। तो अब देखें, 3 × 3 इनवर्स आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3। ये जो इनवर्स है ना, जब आप इनको फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है, अपॉन की सूरत में लिखेंगे, तो हमारे पास ये जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो देखें हमारे पास ये 3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 1। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास था मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। और एक बात था कि जो है ना, हम टेस्ट ले रहे हैं 27/4/2020 में, तो जो हमने प्रीवियस जो भी लेक्चर्स कवर किए हैं उनमें से मैं जो है एमसीक्यूज निकालूंगा,
और आप बोलेगा मैं मेरा जो पेज है फेसबुक में मैं वहां भी अपलोड करूंगा और इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बनाए हैं वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।